पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारें। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएसटी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबर। किसानों के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन, मुंगेर शहर में बाजार बंद, बीच सड़क पर आगजनी। भारत बंद का असर बिहार में काफी देखने को मिल रहा है। किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के विपक्षी दल भी शामिल हुए। बिहार में विभिन्न जिलों में सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं। मुंगेर शहर में भी बंद समर्थकों ने काफी जोरदार प्रदर्शन किया है। नवगछिया के संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा अहम भारत बंद, हजारों की तादाद में नवगछिया के सड़कों पर उतरकर बंद को मिलकर सफल बनाया महागठबंधन के सभी घटक दलों। इसी संबंधित पारित तीन काले कानून की जलाई प्रतियां, कहा इसे अविलंब वापस ले सरकार। बिहार में 442 इंजीनियर्स की होगी पहली, अब इंजीनियर्स करा सकेंगे 7.5 लाख रुपए तक का विभागीय काम। बिहार सरकार ने हर नगर निकाय को और भी ज्यादा सुदृढ़ करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार में सोमवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास के आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जल्द ही एक नगर निकाय की समस्याओं को सुना जाएगा और उसे पूरा किया जाएगा। पूर्णिया में भी भारत बंद का दिखा असर, किसान नेताओं ने किया कृषि कानूनों का विरोध। भारत बंद का असर बिहार के सभी शाखाओं में देखने को मिल रही है। पूर्णिया जिले में भी भारत बंद का शुरुआती असर देखने को मिला। किसान नेताओं जैसे राजद, भाकपा माले, माकपा और कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर उतरकर कृषि कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। 11 दिसंबर से देश भर में डॉक्टरों की होगी हड़ताल, IMA ने किया ऐलान। सरकार द्वारा किए जा रहे चिकित्सा शिक्षा में बदलाव के विरोध में 11 दिसंबर को देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी, इसे लेकर IMA ने ऐलान कर दिया है। हालांकि इस दौरान कोरोना संक्रमण से जुड़ी चिकित्साई सेवा जारी रहेगी। नई दिल्ली स्थित AIM भवन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा सर्जरी कानूनी अभ्यास की अनुमति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली बॉर्डर पर ना तो बिहार के किसान हैं और ना ही कभी कृषि बिल का विरोध जताया गया, लेकिन भारत बंद के नाम पर सेंकी जा रही है सियासी रोटियां। कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं, वह केंद्र सरकार को कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न किसान संगठनों की ओर से आज यानी 8 दिसंबर को भारत बंद करने का आह्वान किया गया। इस बंद को बिहार में महागठबंधन की ओर से सक्रिय समर्थन देने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में ना तो बिहार के किसान शामिल है और ना ही कृषि बिल को लेकर कोई विरोध जताया जा रहा है। तेजस्वी यादव भारत बंद में नहीं उतरे सड़क पर, RJD कार्यकर्ता करते रहे इंतजार लेकिन अब तक नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष। कृषि कानून के खिलाफ बुलाई गई भारत बंद के समर्थन में बिहार में पूरा विपक्ष सड़क पर उतर गया है। कांग्रेस, राजद और वामपंथी दलों समेत विभिन्न संगठनों में भारत बंद को समर्थन दिया है और इसे सफल बनाने को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बिहार में कोरोना का कहर जारी है, फिर मिले 684 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5834। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है, एक बार फिर से कोरोना राज्य में अपना पांव पसार रहा है। सबसे अधिक मरीजों की संख्या पटना जिले से है, जहां कोरोना के 263 नए मरीज मिले हैं। अपराध की योजना बनाते दो अपराधी गिरफ्तार, हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश के बाद पटना पुलिस की नींद खुल गई है। रात्रि गश्त के क्रम में पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीर बहौर थाना अंतर्गत भिखना पहाड़ी मोड़ के पास से रात्रि लगभग 2:30 दो अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किया गया। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ।
अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।